टीवी पर इंडिया के पहला देसी सुपरहीरो रहा शक्तिमान का किरदार आज भी एक पूरी जनरेशन के लिए बहुत इमोशनल कनेक्ट रखता है। टीवी शो में शक्तिमान का किरदार निभाने वाले मुकेश खन्ना को लोग आज भी उनके इस किरदार से पहचानते हैं। इसलिए कुछ महीनों पहले जब खबर आई कि शक्तिमान बड़े पर्दे पर आने वाला है और इसे लेकर एक फिल्म भी प्लान की जा रही है तो जनता बहुत एक्साइटेड हो गई। वहीं इसके बाद जैसे जैसे दिन बीतते गए, रिपोर्ट्स आने लगी कि शक्तिमान में लीड किरदार निभाने के लिए बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को अप्रोच किया गया है। लगातार खबरें आती रहीं कि ये प्रोजेक्ट बहुत तेज डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ रहा है और रणवीर भी इस किरदार के लिए एक्साइटेड हैं। हालांकि उन्होंने ऑफिशियली इसे साइन नहीं किया है, मगर जैसे ही ओरिजिनल शक्तिमान यानी मुकेश खन्ना तक ये बात पहुंची कि रणवीर सिंह को शक्तिमान के रोल के लिए कास्ट किया जाने वाला है, तो वो इस बात को सहन नहीं कर पाए और अपना आपा खोकर ऐसी बयान दे बैठे कि उनके बयान ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल मुकेश खन्ना ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें वो रणवीर सिंह पर अपनी भड़ास निकालते हुए लिखते हैं कि पूरा सोशल मीडिया महीनों से इस अफवाह से भरा पड़ा था कि रणवीर करेगा शक्तिमान और हर कोई इसे लेकर नाराज था, फिर भी मैं चुप रहा। लेकिन जब चैनल्स ने भी ऐलान करना शुरू कर दिया कि रणवीर साइन हो गया है तो मुझे मुंह खोलना पड़ा और मैंने बोल दिया कि ऐसी इमेज वाला व्यक्ति कितना भी बड़ा स्टार क्यों न हो शक्तिमान नहीं बन सकता और मैं अपनी बात पर अड़ गया हूँ। लेकिन अब आगे आगे देखिए क्या होता है। वहीं मुकेश खन्ना यही नहीं रुके, उन्होंने रणवीर सिंह को लेकर अपने YouTube पर एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें उन्होंने रणवीर सिंह के कुछ समय पहले चर्चित फोटोशूट का जिक्र करते हुए उन पर बढ़ास निकाली, जहां वीडियो में मुकेश कहते हैं कि रणवीर को किसी अन्य देशों की तलाश करनी चाहिए जहां नग्नता को लेकर किसी को कोई समस्या न हो, जैसे फिनलैंड और स्पेन, वहां तुम ऐसी फिल्मों में काम करो जहां तुम्हें हर तीसरे सीन में एक ऐसी सीन करने को मिल ही जाएगा। वही वीडियो में मुकेश ने आगे ये भी बताया कि बड़े पर्दे पर जब शक्तिमान बनेगी तो वो शक्तिमान बनने वाले एक्टर में क्या क्वालिटी देखना चाहते हैं। जहां उन्होंने वीडियो में आगे कहा, शक्तिमान सिर्फ रिशुम रिशुम वाला सुपरहीरो नहीं है, जैसे आप सुपरमैन स्पाइडरमैन को देखते हैं, क्योंकि शक्तिमान एक सुपरहीरो के साथ साथ एक सुपर टीचर भी बन गया और जहां मेरे साथ एक पूरी जनरेशन बड़ी हुई है और मुझे आज भी उन बच्चों के मैसेज आते हैं जो अब 30 साल के हो गए हैं, जो कहते हैं कि सर आपने हमारा बचपन बना दिया। वही वीडियो में मुकेश ने आगे कहा, इसीलिए अब वो चीज जो एक्टर करेगा उसमें ये होना चाहिए कि वो बोले तो लोग सुने, वो क्वालिटी किसी एक्टर में है तो उसे ये रोल करना चाहिए। हालांकि अब फैंस की नज़र इस बात पर रहेगी कि जब मुकेश रणवीर की कास्टिंग से इतने खफा हैं, तो मेकर्स उनके साथ ही आगे बढ़ते हैं या किसी और एक्टर को कास्ट किया जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, शक्तिमान के रोल के लिए कौन सा बॉलीवुड एक्टर परफेक्ट रहेगा? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताइए।